आज करीब एक बजे जब मैं सेक्रेटेरिएट पहुंचा और लिफ्ट के पास मैं जाने लगा तो मैंने देखा कि वहां पर करीब 150 लोगों का हुजूम था, जो अपने आप में बहुत ही चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि सेक्रेटेरिएट एक हाई सिक्योरिटी जोन है। और जब मैं लिफ्ट का वेट कर रहा था तो फिर अचानक उसमें से 30-35 लोग वो मेरी तरफ भागे और ज़ोर ज़ोर से नारे लगाने लगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मारो मारो मारो। मेरे साथ फॉर्चुनेटली मेरा PSO था और मेरा अपना स्टाफ था, तो उन तीनों लोगों ने मुझे बचाने की पूरी कोशिश करी। लिफ्ट आने में थोड़ा समय लग रहा था और उनको लगा कि वो भीड़ को बहुत देर तक रोक नहीं पाएंगे, तो फिर वो मुझे पीछे की तरफ ले गए। पीछे की लिफ्ट वहाँ पर खुली हुई थी। जब पीछे की लिफ्ट में मैं अंदर गया तो उसी भीड़ में से तमाम लोगों ने लिफ्ट के अंदर आने की कोशिश करी और लिफ्ट का दरवाज़ा रोक लिया। और इस पूरे घटनाक्रम में मेरे जो स्टाफ मेंबर्स थे उनको कुछ चोटें आईं, उनके सर पर, उनके सीने पर मुक्के पड़े। जो लिफ्ट ऑपरेटर था उसको भी एक दो मुक्के पड़े और किसी तरीके से वो बचाकर लिफ्ट फाइनली मेरे PSO ने फोर्सली ताकत लगा के लिफ्ट का दरवाज़ा बंद किया और मुझे ऊपर ले गए। और ये करीब जैसे मैंने बताया कि 1:15 की घटना है, और उतनी ही देर में 10-15 मिनट बाद पता चला कि मेरे ऊपर आने के बाद जब इमरान हुसैन हमारी सरकार के मंत्री, वो जब सचिवालय में अंदर प्रवेश करने की कोशिश उन्होंने करी तो वहीं पर उनके साथ भी इसी तरह की घटना हुई। उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई और उसमें उनके जो साथ में लोग थे उनके ऊपर काफ़ी हिमांशु करके उनके साथ उनके सहायक थे, उनको चोट लगी, उनको मारा गया। इसमें जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात है वो ये है कि दिल्ली सेक्रेटेरिएट से दिल्ली सरकार चलती है, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, और हाई सिक्योरिटी जोन है तो वहाँ पर दिल्ली पुलिस की पूरी सुरक्षा रहती है। आप लोग भी जब वहाँ जाते हैं तो आप देखते हैं कि मीडिया के लोग भी बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के अंदर नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, नारेबाजी करने लगे और उग्र हो गए। पहले मुझ पर हमला किया, 15 मिनट बाद इमरान हुसैन पर हमला किया। दिल्ली पुलिस वहाँ मौजूद थी लेकिन वहाँ पर उस मॉब को हटाने की कोशिश नहीं की गई, इन घटनाओं को रोकने की कोशिश नहीं की गई। दोनों घटनाक्रम में, चाहे मेरे ऊपर हमला हुआ या इमरान हुसैन के ऊपर हुआ, हमारे अपने स्टाफ ने और मेरे PSO ने मुझे बचाया, लेकिन वहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की वहाँ मौजूदगी थी उन्होंने कोई कदम वहाँ पर नहीं उठाए। दूसरा, इतने बड़े तादाद में वहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाएं और दिल्ली सेक्रेटेरिएट को एक राइटिंग प्लेस में कन्वर्ट कर दें, वहाँ पे दंगे जैसी स्थिति उत्पन्न कर दें, तो ये किसकी शय पर हो रहा है? क्या वो वहाँ के कर्मचारी थे, बाहर से लोग वहाँ पर आए, बाहर से लोग इतनी बड़ी तादाद में अंदर कैसे आ गए, कौन उनको प्रोवोक कर रहा था, इंस्टिगेट कर रहा था, कैसे उनकी हिम्मत हुई, किसकी शय है? और पाँच छः घंटे हो गए हैं, अभी तक दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? क्योंकि सब कुछ CCTV पर है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट के अंदर मंत्रियों पर इस तरीके से हमला हुआ, उसमें कुछ भी हो सकता था, गंभीर चोट भी आ सकती थी। क्या आप सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में किसी और राज्य में, किसी और राज्य के सचिवालय में वहां के मंत्रियों पर इस तरीके से हमला हो जाए और वहां पर सारा घटनाक्रम CCTV पर कैद हो और उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई ना करे, किसी की गिरफ्तारी ना हो, किसी को चिन्हित ना किया जाए? मैंने कंप्लेंट भी करी है पुलिस में, इमरान हुसैन जी ने भी कंप्लेंट करी है पुलिस में, और मैंने माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से और LG साहब से समय मांगा है मिलने का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तत्परता के साथ गृह मंत्री और LG साहब LG से मिले, IS ऑफिसर एसोसिएशन के लोगों से मिले हैं, उसी तत्परता के साथ वो हम लोगों से भी मिलेंगे
और पूरी घटना का सच जानने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने देखा कि एक राजनाथ सिंह जी ने ट्वीट किया है जहां पर उन्होंने पहले ही ये तय कर लिया है कि कौन इसमें दोषी है, और बाद में उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा है कि मैंने इसकी जांच भी ऑर्डर करी है। तो अगर आपने पहले से ही तय कर लिया है कि इसमें गिल्टी पार्टी कौन है, तो उस जांच का क्या अर्थ है फिर? आपको पहले एक गृह मंत्री के तौर पर पूरी घटनाक्रम की जांच करवानी चाहिए थी, बयान दर्ज करवाने चाहिए थे, पता करना चाहिए था कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, और उसके बाद देश के गृह मंत्री होते हुए आपको फैसला करना चाहिए था कि इसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनाथ सिंह जी ने पहले ही एक पार्टी से मिलकर, एक पक्ष से मिलकर अपना फैसला सुना दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो हमारा पक्ष भी सुनेंगे और एक निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट जांच इस पूरे मामले की करवाएंगे।